इज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मेरा फास्ट है और 16 सोमवार का उद्यापन है, तो मैं पंडित जी को भोजन करवाऊंगी। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। तो यहाँ पे हमने ऑयल में मेथी डाला है, तो हम लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं करेंगे आज। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में हमने लिया है गोभी, गांठ गोभी और बैंगन और आलू और मटर। तो हम इससे मिक्स वेज बना रहे हैं, तो आप भी देखते रहिएगा। तो यहाँ पे बैंगन रखा है मैंने, जो हमारे घर का ही है, तो इसे भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेती हूँ। और इसी में हम आलू भी ऐड कर देंगे। तो बैंगन को हम एकदम छोटे बारीक टुकड़ों में कट करेंगे। और चेक भी कर लेते हैं कैसा है। तो मेरे घर में जो बैंगन का पेड़ है, उसी में से हमने लिया है बैंगन। ये बिल्कुल साफ सुथरा बैगन है फ्रेंड्स। तो इसी तरह हम सारे बैगन को कट कर लेते हैं। और यहीं पे हमारे वेजिटेबल्स हैं, नवल गोल है, गांठ गोभी और गोभी है, नीचे है गोभी, और मटर भी डालेंगे इसमें हम। तो ये सभी चीज़ें इसे भी वॉश कर लेंगे, तब तक बैगन को कट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा मेथी पक चुका है, तो यहीं पे हम बैंगन और आलू को भी ऐड कर देंगे। और सारी वेजिटेबल्स को अभी ही डाल देंगे एक साथ और अच्छे से इसे भूनेंगे। तो मेथी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही फ्रेंड्स। तो मेथी को अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है, तभी इसमें अच्छी सी खुशबू आती है धीमे धीमे की। तो इसे अब हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। तो इसे अब हम भूनने देते हैं अच्छे से। थोड़ी देर में हम नमक इसमें ऐड कर देंगे, तब तक हम यहीं पे अपने टमाटर को पीस लेंगे। तो इसका टमाटर का पेस्ट यूज़ करेंगे आज हम। तो यहाँ पे हमने टमाटर डाल दिया है पीसने के लिए। तो मैंने लगभग 4-5 बड़ी टमाटर लिया है। और यहीं पे हम डालेंगे धनिया। तो धनिया हमारा फर वाला धनिया यूज़ करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फर वाला धनिया होता है जिसमें बीज होती है। तो ये वाला धनिया ठंडियों में मिलता है, तो इसे हम साथ में पीस लेंगे और इसकी ग्रेवी बना लेंगे। तो पहले पीस लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ फ्रेंड्स। तो ये रहा हमारा मिक्सर जार, तो यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं और पीस लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा टमाटर और धनिये का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो ये धनिया अगर हम डाल देते हैं, तो पत्ती वाली धनिया और बीज वाली धनिया, तो हमें जो पीसा हुआ धनिया रहता है उसको डालने का ज़रूरत नहीं रहता है। तो हम यहाँ पर हल्दी और मिर्च और नमक बस ऐड करेंगे सब्जी में। तो बिल्कुल सात्विक बना रहे हैं हम आज। तो चलिए फिर हमारे साथ तो सब्जी को देख लेते हैं कितना भुना हुआ है कि नहीं। तो आप भी इस तरह से अपने घर में जब ब्राह्मण भोज कराना रहे, तो आप भी करवा सकते हैं, इस तरह का भोजन बना सकते हैं जिसमें प्याज और लहसुन का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसे भूनने के लिए छोड़ देते हैं और यहीं पे हम डाल देते हैं अपने मसालों को। तो यहाँ पे धनिया और टमाटर का पेस्ट था जिसे हमने डाल दिया है और साथ में अच्छे से भुनेंगे। तो यहीं पे नमक, हल्दी और मिर्च भी थोड़ी देर में डाल देंगे हम। तो इसे थोड़ा सा पकने देते हैं, फिर हम बाकी चीज़ों को ऐड कर देंगे। तो इसे ढक कर हम थोड़ी देर पकने देते हैं, तब तक हम राइस को, चावल को धो देते हैं, चावल भी बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहीं पर सब्जी में हम हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे।
ये हमारी घर की पीसी हुई हल्दी की पाउडर है और यहीं पे हम मिर्ची ऐड कर देंगे। ये भी हमने घर में ही पीसा है तो सारे मसाले हम घर में ही पीस कर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, मिलावट से दूर रहते हैं। और सारी सब मसालों को मिला लेंगे अच्छे से और यहीं पे हम डाल देंगे नमक। और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे सब्जियों को। तो नमक यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून डाला है। तो फ्रेंड्स जो फर वाला धनिया होता है ना उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, आपके यहाँ अगर मिलती हो तो ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो ठंडियों में सब्जियों का स्वाद दुगना हो जाता है इससे। तो इसे तेज आंच में हम भूनने देते हैं। यहीं पे हमने मटर को भी ऐड कर दिया है। अब इन सभी सब्जियों को अच्छे से भूनने देते हैं। अभी जो टमाटर पीसा हमने उसमें पानी था तो टमाटर अभी जो ठंडी में टमाटर आता है उसमें पानी होता है बहुत, तो बहुत सारी पानी निकल गई है फ्रेंड। तो उसे सूखते तक और ऑयल पे छोड़ते तक हम इस सब्जियों को अच्छे से भूनेंगे अभी। तो इसे हम ढक देते हैं। मिक्स वेज की सब्जियां बन रही है यार। देखिए फ्रेंड सब्जी थोड़े अच्छे से भुन चुकी है तो इसे ऑयल के छूटते तक भुनना है हमें। पानी इसने अपना सोख लिया है, थोड़ी देर और भुनेंगे, देखते हैं हमारी सब्जियां भुनी है कि नहीं। तो सब्जियां पक चुकी हैं, थोड़ी देर और पकने देते हैं इसे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी सब्जियां अच्छे से भून चुकी है और इसमें जो पानी था वो पूरी तरह से सूख चुका है और ऑयल भी छोड़ने लगी है। तो थोड़ी देर में हम इसमें पानी भी ऐड कर देंगे और इसे पकने देंगे अच्छे से। तो अगर आप सूखी सब्जियां खाना चाहते हैं तो इसी तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बनकर तैयार है। लेकिन अगर आप रस वाली ग्रेवी वाली सब्जी चाहते हैं तो इसे थोड़ी देर और पकने देंगे, फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो ये हमारा मिक्स वेज बैंगन गोभी गांठ गोभी और मटर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसमें हमने टमाटर और फर वाला धनिया डाला है फ्रेंड्स, तो आप भी ज़रूर डालिएगा, उससे स्वाद इसका दोगुना हो जाता है। और इसे थोड़ी देर और भुनने देते हैं, फिर इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। तो पानी आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप डालेंगे। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं लगभग 2 ग्लास पानी। तो यहाँ पे हमने पानी ऐड कर दिया और इसे ग्रेवी में अच्छे से पकने देंगे अब। तो हमने इसका फ्लेम तेज कर दिया है ताकि ये सब्जियाँ जल्दी से पक जाए और ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। तो इसे पकने के लिए हम छोड़ देते हैं। देखिए फ्रेंड्स ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो चुकी है, तो इसको अच्छे से हम गाढ़ा होने देंगे, तब तक इसे उबलने देते हैं अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्जी कितनी लाजवाब लग रही है ना, तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और इसकी ग्रेवी अभी गाढ़ी नहीं हुई है तो इसे हम गाढ़ी होने देते हैं और ये टेस्टी सी सब्जी बनकर तैयार ही हो जाएगी थोड़ी देर में। मटर, गोभी, आलू, बैगन और नवल गोल की मिक्स वेज। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे टमाटर की वजह से इसमें कितना अच्छा कलर आया है। जो टमाटर हमने पीस के डाल दिया था इसलिए तो ये बहुत ही खुशबू आ रही है इसमें से। फर वाले धनिए की, फर वाला धनिया मीन्स होता है जो बीज वाला हरा धनिया होता है ना, उसी को हम लोग फर वाला धनिया बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, हम आपको सर्व करके दिखा देते हैं सब्जी को। तो ये बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। मिक्स वेज आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ठंडियों में सब्जियों का मज़ा लीजिएगा। तो ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप इसकी ग्रेवी गाढ़ी रखना चाहें तो रख सकते हैं या फिर आप इसी तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी मिक्स वेज की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। गोभी, आलू, बैंगन, मटर और गांठ गोभी की सब्जी है ये। गर्मा गर्म सब्जी चपाती और राइस के साथ खाइए और हमें बताइए कि आपको ये कैसी लगी। बाय बाय।